आज हमारा टॉपिक है वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण एवं अभयारण्य। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि राजस्थान में वन्य जीव मंडल कितने हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा 16 वन्य जीव मंडल हैं। जंतुआलय कितने हैं? तो 5 जंतुआलय हैं जिनको चिड़ियाघर भी कहते हैं। मृगवन कितने हैं? तो 7 मृगवन हैं। टाइगर रिजर्व कितने हैं? टोटल 4 टाइगर रिजर्व हैं। कहाँ कहाँ पे? रणथंभौर में है, सरिस्का में है, मुकुंद्रा हिल्स में है और रामगढ़ विषधारी में है। रणथंभौर आपको पता है सवाई माधोपुर में है, सरिस्का अलवर में है, मुकंदरा हिल्स कोटा में है और रामगढ़ विषधारी बूंदी में है। ठीक है, 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितने हैं? 3। और 2 क्या हैं? प्रस्तावित हैं राष्ट्रीय उद्यान। अब 3 कौन कौन से हैं? रणथंभौर, केवलादेव और मुकंदरा हिल्स। कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं? तो ये भी कितने हैं? 16। वन्य जीव मंडल भी 16 थे और कंजर्वेशन रिजर्व भी कितने हैं? 16 हैं। रामसर स्थल की बात करें तो राजस्थान में 2 हैं, गना पक्षी विहार वह सांबर झील। वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं? 27। और आखेड़ निषिद्ध क्षेत्र कितने हैं? 33। तो इतना डाटा पहले हमने याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं कि राज्य का सबसे बड़ा आखेड़ निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है। तो इसका आंसर होगा संवत्सर, कोटसर, चूरू। और अगर पूछे कि राज्य का सबसे छोटा आखेट निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है तो कनक सागर बूंदी है। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं कि रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को बाघ अभयारण्य बनाने की मंजूरी कब प्रदान की गई। तो 21 जून 2021, ये डेट याद रखनी है। तो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को बाघ अभयारण्य बना दिया गया और यह भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बन गया। कौन सा है? 52वां है। नेक्स्ट बात करते हैं जंतुआलय की। तो कौन कौन से 5 जंतुआलय हैं? जयपुर चिड़ियाघर जो किसके लिए फेमस है? घड़ियालों एवं मगरमच्छों का प्रजनन केंद्र है ये। बाघों का प्रजनन केंद्र भी इसको बना दिया गया है। सेकंड है जोधपुर चिड़ियाघर, यहाँ गोडावन पक्षी का कृत्रिम प्रजनन केंद्र है। तीसरा है बीकानेर चिड़ियाघर जो कि वर्तमान में बंद है। चौथा है उदयपुर चिड़ियाघर, यहाँ एक पक्षीशाला जिसको एवरी कहते हैं वो बनाई गई है। फिफ्थ हमारा है कोटा चिड़ियाघर, राज्य का सबसे नवीन क्या है ये चिड़ियाघर है। तो ये 5 जंतुआलय या चिड़ियाघर आपको याद रखने हैं। एक हमने ध्यान में रखना है कि राज्य में डेजर्ट जू कहाँ पे बनाया गया है। तो डेजर्ट है तो नाम से पता लग रहा है कि मरुस्थल वाला कोई होगा, तो बीच वाल बीकानेर में बनाया गया है डेजर्ट जू। नेक्स्ट बात करते हैं मृगवन की। तो सबसे पहले है माचिया सफारी मृगवन, कहाँ पे है? जोधपुर में है।
यहाँ राज्य व देश का प्रथम राष्ट्रीय मरु वानस्पतिक उद्यान बनाया गया है, तो ये ध्यान में रखना है हमने। सेकंड है अमृता देवी कृष्ण मृगवन, कहाँ पे है? जोधपुर में है। तीसरा है अशोक विहार मृगवन, कहाँ पे है? जयपुर में है। चौथा है संजय उद्यान मृगवन, कहाँ पे है जी? जयपुर में है। पांचवा है सज्जनगढ़ मृगवन, उदयपुर में है। छठा है चित्तौड़गढ़ मृगवन, तो नाम से ही पता लग रहा है चित्तौड़गढ़ में ही होगा। सातवा है लास्ट पुष्कर मृगवन, जो कि कहाँ पे है? अजमेर में है। तो ये सात मृगवन कहाँ कहाँ पे हैं, बस इतना ही ध्यान में रखना है हमने। नेक्स्ट बात करते हैं बाघ परियोजना की या टाइगर प्रोजेक्ट की। तो सबसे पहला जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो किस अभयारण्य में है? रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य सवाई माधोपुर। सेकंड है सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य अलवर। तीसरा है दर्रा वन्य जीव अभयारण्य, या इसी को क्या कहते हैं? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, कहाँ पे है? कोटा व झालावाड़ में। और चौथा लास्ट है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, कहाँ पे है? बूंदी में है जी। तो ये चार क्या हो गए हैं? टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जैव संवर्धन क्षेत्रों की या जैविक उद्यान की। तो पहला है सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, कहाँ पे है? उदयपुर में है। सेकंड है माचिया बायोलॉजिकल पार्क, कहाँ पे है? जोधपुर में है। तीसरा है नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जयपुर में। चौथा है अबेड़ा जैविक उद्यान, कहाँ पे? कोटा में। पांचवा है मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क, कहाँ पे है? बीकानेर में, और ये बन रहा है अभी। छठा है पुष्कर जैविक उद्यान, पुष्कर अजमेर में बन रहा है। नेक्स्ट हमने फैक्ट ध्यान में रखना है कि मारवाड़ का प्रथम जैविक उद्यान कौन सा है और कहाँ पे है मारवाड़ का? तो इसका आंसर क्या होगा? माचिया बायोलॉजिकल पार्क, कहाँ पे है? जोधपुर में। ये मारवाड़ का है प्रथम। और अगर पूछ ले कि राजस्थान का प्रथम बायोलॉजिकल पार्क कौन सा है, तो सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क क्या है? प्रथम है। तो प्रथम है तो इसकी थोड़ी डेट भी हमने ध्यान में रखनी है, कब बनाया गया? तो 12 अप्रैल 2015 को इसका क्या किया गया था? लोकार्पण किया गया था, लोगों को इसको अर्पित कर दिया था। क्लियर है? 12 अप्रैल 2015। नेक्स्ट बात करते हैं सर्प उद्यान की। तो पहली बात तो राज्य का जो एकमात्र सर्प उद्यान है वो कहाँ पे है? कोटा में है। मतलब हमारे राजस्थान में एक ही सर्प उद्यान है और वह कहाँ पे है? कोटा में। कैसे याद करेंगे? सीधी सी बात है, सर्प काट लेता है। सीधी बात यही है, सर्प क्या करता है? काट लेता है। तो काट से कोटा लगा देना, टिक। लेकिन यहाँ पे एक और सर्प उद्यान बनाया जा रहा है, कहाँ पे? भरतपुर में। ठीक है, मतलब अभी बना नहीं है, बनाया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल पार्क की। तो सबसे पहला है रणथंभौर, जो कि सवाई माधोपुर में है। यह देश का सबसे छोटा बाघ अभयारण्य है, जिसे भारतीय बाघों का घर कहते हैं। बस ऐसे लाइनें हमने याद रखनी है इनके बारे में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और बाकी हमने इसमें कुछ एनिमल्स वगैरह पता होने चाहिए कि कौन सा किस में फेमस है।
तो राज्य में सर्वप्रथम जो बाघ परियोजना चलाई गई वो यहीं पे शुरू की गई थी रणथंभौर में, और टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट में इसको कब शामिल किया, 1974 में, और 1980 में राज्य का इसको प्रथम राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया। 1980 में तो नेशनल पार्क बना दिया, 1974 में टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया। भारतीय बाघों का घर कहते हैं इसको, सबसे पहले बाघ परियोजना यहीं पे चलाई गई। इसके बाद हमने ध्यान में क्या रखना है, रणथंभौर से क्या किया था इन्होंने, एक बार एक बाघ था सुल्तान और एक बाघिन थी बबली, इनको हेलीकॉप्टर से सरिस्का वाले अभयारण्य में ये छोड़ के आए थे। तो ये थोड़ा सा हमने ध्यान रख लेनी है चीज को। बाकी फैक्ट क्या ध्यान में रखना है कि राजस्थान का टाइगर मैन किसको कहते हैं, कैलाश सांखला को। सेकंड हमारा आता है केवला देव या घना पक्षी विहार भरतपुर। अब यहाँ पे हमने क्या क्या चीजें पढ़नी हैं, पहले तो ये जो अभयारण्य है एशिया की सबसे बड़ी पक्षियों की प्रजनन स्थली है, मतलब हम पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं इस अभयारण्य को, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो तोते हैं उनकी गर्दन लाल रंग की है, वैसे तो आपको पता है तोता हरे रंग का होता है सारा ही, लेकिन यहाँ पे जो तोते हैं उनकी जो गर्दन है वो लाल रंग की है। राज्य की प्रथम वन्य जीव प्रयोगशाला यहीं पे स्थापित की गई है, मतलब एक लैब बनाई गई है वन्य जीव वाली, वो यहीं पे बनाई गई है। तो तीन बातें ही ध्यान में रखनी है, एक तो इसको पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं, लाल गर्दन वाले तोते यहाँ पे मिलेंगे, और प्रथम वन्य जीव प्रयोगशाला यहीं पे है। तीसरा आता है हमारा दर्रा या मुकंदरा हिल्स जो कि कोटा झालावाड़ में है, इसमें हमने क्या ध्यान में रखना है, तो सबसे पहले तो इस अभयारण्य का नाम था दर्रा, उसके बाद इन्होंने नाम बदल के रख दिया इसका राजीव गांधी नेशनल पार्क, फिर इसका नाम वसुंधरा सरकार ने चेंज करके कर क्या कर दिया, मुकुंदरा हिल्स पार्क रख दिया, ठीक है। तीनों नाम ही याद रख लेना, राजीव गांधी भी नाम याद हो, दर्रा अभयारण्य भी इसी को कहते हैं, और मुकुंदरा हिल्स भी इसका नाम है। यहाँ की खासियत बात क्या है, इस अभयारण्य में गागरोनी तोता पाया जाता है जो मनुष्य की जैसी आवाज निकालता है, जिसको हिंदुओं का आकाश लोचन भी कहते हैं, हीरामन तोता भी कहते हैं, वो पद्मनी वाली स्टोरी याद आ गई होगी आपको। तो जो हीरामन तोता है इस अभयारण्य में मिलता है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो नए नेशनल पार्क प्रस्तावित हैं वो कौन कौन से हैं, तो एक तो है सरिस्का अलवर में बनाया जाएगा, बन रहा है, और यहाँ पे क्या है सर्वाधिक हरे कबूतर पाए जाते हैं, और एक है राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, इसको नेशनल पार्क बनाने के लिए मतलब अप्लाई किया हुआ है। इसमें ओक्कल वुड फॉसिल पार्क आपको ध्यान में रखना है कहाँ पे है, कुलदरा गांव जैसलमेर में। गोडावन को राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया, ये थोड़ी सी डेट आपने याद रखनी है, 21 मई 1982 को किसको दर्जा मिला है, गोडावन को राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया है 21 मई 1982 को, याद रखना है इसको। नेक्स्ट है राज्य के वन्य जीव अभयारण्य, तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय चंबल गढ़ियाल वन्य जीव अभयारण्य की, कहाँ पे है जी, कोटा में है। इसको क्या कहते हैं,
घड़ियालों का संसार कहा जाता है। यह राज्य का क्या है? एकमात्र जलीय अभयारण्य है। और अगर हम बात करें, एकमात्र अंतर्राज्यीय अभयारण्य भी है, क्योंकि ये जो अभयारण्य है वो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में व उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है, इसलिए अंतर्राज्यीय अभयारण्य भी कहते हैं। नेक्स्ट हमने इसके बारे में क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पे क्या है, स्तनधारी जीव पाए जाते हैं, तो उनके नाम पता होने चाहिए कि ये स्तनधारी जीव हैं। एक तो उदबिलाव यहाँ पे मिलता है, एक है शिशुमार और एक है गांगे सूंस, तो ये तीन जो हैं यहाँ पे मिलेंगे आपको जीव। सेकंड है बैंसरोड़गढ़ वन्य जीव अभयारण्य है, जो कि कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में है। और इसके बारे में हमने एक बात ध्यान में रखनी है, इसमें चंबल व बामनी नदियों का क्या होता है, संगम होता है। तीसरा है सीता माता वन्य जीव अभयारण्य, प्रतापगढ़ व चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। सर्वाधिक जो जैव विविधता है इसी अभयारण्य में मिलती है। इसको चीतल या चौसिंगे की शरण स्थली कहते हैं। उड़न गिलहरियों का स्वर्ग भी इसको कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन काफी बार आया है कि उड़न गिलहरी किसमें पाई जाती है, तो सीता माता अभयारण्य में, जो कि प्रतापगढ़ में है। इसके बाद हमने क्या ध्यान में रखना है, जो उड़न गिलहरी है इसका स्थानीय नाम अशोवा है, थोड़ा सा याद रख लेना। इसके बाद यहाँ से कौन सी नदियों का उद्गम होता है, तो एक तो है करम मोचिनी और दूसरी है जाखम नदी, थोड़ा सा ये भी ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट है माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य, कहाँ पे है, सिरोही में है। राज्य का एकमात्र पहाड़ी पर स्थित अभयारण्य कौन सा है, माउंट आबू। यहाँ पे हमने खासियत ये ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे सबसे सुंदर छिपकली है, और उस छिपकली को क्या कहते हैं, युबले फरिस, युबले फरिस उसका नाम है, सबसे सुंदर छिपकली है। आप सोचेंगे कि सर छिपकली भी कभी सुंदर होती है, तो बिल्कुल यहाँ पे ये जो है छिपकली सुंदर है। गूगल पे जाके इसकी पिक आप जरूर देखिए, युबले फरिस ये छिपकली है, माउंट आबू में मिलती है, सबसे सुंदर छिपकली यही है, ठीक है जी। और माउंट आबू को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है इन्होंने कब, 25 जून 2009 को। एक हमने ध्यान में रखना है कि जो माउंट आबू पर्वत है यहाँ पे एक चिड़िया मिलती है, और उस चिड़िया का नाम क्या है, ग्रीन मुनिया। मन्ने बदनाम तेरे, ठीक है, तो मुनिया याद रखना है आपने। नेक्स्ट है सज्जनगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, कहाँ पे है, उदयपुर में है। यह नील गाय वह लोमड़ी हेतु प्रसिद्ध है, मतलब नील गाय यहाँ पे ज्यादा मिलेंगी आपको। नेक्स्ट है कुंबलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, कहाँ पे है, राजसमंद में है। ये किसके लिए फेमस है, इसको कहते हैं बेड़ियों की प्रजनन स्थली, तो बेड़ियों की प्रजनन स्थली याद रखना है, किसको कहते हैं, कुंबलगढ़ अभयारण्य को। ज्यादा से ज्यादा आप ये भी याद रख सकते हैं कि कौन सी नदियों का उद्गम होता है, तो बनास व साबरमती जो नदियां हैं उनका उद्गम यहीं से होता है। नेक्स्ट है ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य, कहाँ पे है, चूरू में है। इसका प्राचीन नाम क्या था, द्रोणपुर, ठीक है। किसके लिए फेमस है, काले हिरण व कुर्जा पक्षी के लिए, और कुर्जा पक्षी को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, खींचन। तो क्वेश्चन अगर आए कि खींचन के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है,
तो खींचन का मतलब कुर्जा पक्षी की बात कर रहा है। तो कुर्जा पक्षी के लिए कौन सा आएगा? ताल छाप पर टिक करके आना है वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट है केला देवी वन्य जीव अभयारण्य, कहाँ पे है? करौली में है, बस इतना ही ध्यान में रखना है। फिर है केसर बाग अभयारण्य धौलपुर में है, राम सागर वन्य जीव अभयारण्य बाड़ी धौलपुर में है, वन विहार अभयारण्य धौलपुर में है, बंद बारेठा वन्य जीव अभयारण्य भरतपुर में है। इसके लिए आपको एक बात ध्यान में रखनी है, इसे परिंदों का घर कहते हैं। किसका घर? परिंदों का घर कहते हैं बंद बारेठा वन्य जीव अभयारण्य को। नेक्स्ट है बस्सी वन्य जीव अभयारण्य, ये चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। जंगली बाघों के विचरण हेतु ये विश्व प्रसिद्ध है, मतलब जो जंगली बाघ हैं वो विचरण करते हैं तो उसके लिए फेमस है। नेक्स्ट है नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जयपुर में है, भारत का दूसरा बायोलॉजिकल पार्क है ये, और देश का तीसरा क्या है? बियर रेस्क्यू सेंटर यहीं पे स्थित है। राजस्थान का ये प्रथम जैविक पार्क भी है जिसको जूलॉजिकल पार्क भी कहते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल पार्क अलग होता है, जूलॉजिकल पार्क अलग है। बायोलॉजिकल पार्क पहला तो कौन सा है? सज्जनगढ़ वाला, और अगर जूलॉजिकल पार्क की बात करें तो कौन सा होगा? नाहरगढ़। नेक्स्ट है जमवा रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? जयपुर में है। जैसमंद वन्य जीव अभयारण्य उदयपुर में है। इसको जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है, किसको? जैसमंद वन्य जीव अभयारण्य को। तो ये ध्यान में रखना है, उपनाम इसका जलचरों की बस्ती। नेक्स्ट है बहोरा पक्षी की आश्रय स्थली भी कहते हैं इसको, एक पक्षी है बहोरा जो कहां पे रहता है? जैसमंद अभयारण्य में। नेक्स्ट है फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य आपको पता है उदयपुर में है। देश का प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क यहाँ पे क्या है? स्थित है, ठीक है जी। नेक्स्ट है शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य बारा में है। सर्पों की शरण स्थली कहते हैं इसको, किसको? शेरगढ़ जो वन्य जीव अभयारण्य है बारा जिले में, इसको कहते हैं सर्पों की शरण स्थली। इसके बाद है जवाहर सागर वन्य जीव अभयारण्य कोटा में है, बूंदी में है। यह भी क्या है? एक जलीय अभयारण्य है। उत्तरी भारत का प्रथम सर्प उद्यान है ये, ठीक है जी। और सर्वाधिक मगरमच्छ यहाँ पे पाए जाते हैं, और मगरमच्छों को नंगे हाथों में पकड़ने में जो सिद्धस्त व्यक्ति है उसका नाम है रामचरण मीना, और इसको देशी स्टीव इरविन भी कहा जाता है, क्योंकि जो स्टीव इरविन है ना वो नंगे हाथों से मगरमच्छ को पकड़ लेता है। तो राजस्थान में कौन सा है? स्टीव इरविन, रामचरण मीना। नेक्स्ट है रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? बूंदी में है। ये किसके लिए फेमस है? सांपों के लिए। रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर भी कहते हैं इसको, ठीक है। रामगढ़ वाले को क्या कहते हैं? रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर। नेक्स्ट हमने बात ध्यान में रखनी है सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य की कहाँ पे है? अलवर में है। यह अभयारण्य राज्य का सबसे छोटा अभयारण्य है और नवीनतम अभयारण्य भी है, ठीक है जी। नेक्स्ट है बीसलपुर वन्य जीव अभयारण्य टोंक जिले में है। तो इसी से हमारे अभयारण्य क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। एक एक दो दो लाइनें हमने याद रखनी है उनके बारे में, और वो कहाँ पे हैं मेनली वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं टोटल? आपको बताया था 16 है, तो थोड़े उनके बस हमें ये पता होना चाहिए है कहाँ कहाँ पे। तो बीसलपुर कहाँ पे है? टोंक में है। जोड़ बीड़ गढ़वाला बीकानेर में है। सुंदा माता जालोर में। गुड़ा बिश्नोई जान
जोधपुर में है, शकंबरी, सीकर, गोगेलाब, नागौर, बीड, झुंझुनू, झुंझुनू में ही है, रोटू, नागौर में। मोस्ट इम्पोर्टेंट, रोटू कई बार पूछ लिया जाता है, रोटू कहाँ पे है, तो रोटू है जी नागौर में। नेक्स्ट है उम्मेदगंज पक्षी विहार, कोटा में है, जुवाई बांध लेपर्ड, पाली में, बांसियाल खेतड़ी, झुंझुनू में है, बांसियाल खेतड़ी बागोर भी झुंझुनू में है, जुवाई बांध लेपर्ड सेकंड ये कहाँ पे है, ये भी पाली में है, तो पाली में दो हैं, ठीक है। मनसा माता झुंझुनू में है, शाहबाद बारा में, रनखार ही है जी सांचौर जालौर में। तो ये 16 है रिजर्व, थोड़े से हमें बस ध्यान होना चाहिए है कहाँ कहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राजस्थान भारत में आठवां राज्य है जिसने राज्य तितली घोषित किया है, ठीक है। तो आठवां राज्य बन चुका है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है फैक्ट, आगे हमारे सारे फैक्ट चलेंगे। दूसरा फैक्ट क्या है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 9 मई 2022 को उदयपुर के गुलाब बाग में प्रदेश के पहले बर्ड पार्क का क्या किया है, उद्घाटन किया है। तो अगर पूछ लिया जाए राजस्थान का पहला बर्ड पार्क कहाँ पे लगाया जाएगा, तो उदयपुर के गुलाब बाग में। कब स्टार्ट होगा, 9 मई 2022 को इसका क्या किया है, उद्घाटन किया है। दूसरा तीसरा फैक्ट हमारा क्या है कि जयपुर में किशनगढ़ डेजर्ट पार्क का भी क्या किया है, उद्घाटन किया गया है। तो अगर पूछ लिया जाए कि किशन बाग डेजर्ट पार्क कहाँ पे है, तो जयपुर में लगाना है टिक, ऐसा नहीं करना कि डेजर्ट आ गया तो बीकानेर जयपुर, बीकानेर जैसलमेर वाला कोई टिक कर दो, ये जयपुर आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है पाली जिले के रायपुर के बाटे लाव तालाब को राज्य सरकार ने वेटलैंड घोषित कर दिया है। तो पूछ सकता है कि हाल ही में वेटलैंड किसको घोषित किया है, तो बाटेलाव तालाब को, कहाँ पे है, पाली जिले के रायपुर में। नेक्स्ट है फैक्ट आपको जो ध्यान में रखना है, ताल छापर अभयारण्य जो चूरू में है, यहाँ पे इकोसिस्टम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का भी उद्घाटन किया है 2021 में, और राजस्थान का ये कौन सा बन गया है, चौथा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन चुका है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमने ध्यान में रखना है फैक्ट, राजस्थान में रोजरा मतलब नील गाय जो है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है, जंगली जानवर है। इसके बाद राज्य का दूसरा स्पाइस पार्क मतलब मसाला बगीचा जोधपुर के रामपुरा भाटिया गांव में बनाया गया है। राज्य का पहला सौर पार्क बडला जोधपुर में बनाया गया है, पहला सौर पार्क है जोधपुर में और दूसरा स्पाइस पार्क भी कहाँ पे है, जोधपुर में है जी। म्यूर गार्डन कहाँ पे है, मालवीय नगर जयपुर में, गंगा निवास पब्लिक पार्क बीकानेर में है, कैक्टस गार्डन कुलदरा गांव जैसलमेर में, राष्ट्रीय मरुस्थल पार्क जैसलमेर में, गार्डन कॉम्प्लेक्स बड़ा बाग जैसलमेर में है, सोहिनी उद्यान बीनमाल जालौर में, पर्यावरण पार्क सोजत पाली में है, सत्याग्रह उद्यान पार्क आहुआ पाली में, लाखोटिया पक्षी उद्यान कहाँ पे है, पाली में है, कनक सागर पक्षी अभयारण्य बूंदी में है, देववन कोटा में है जो कि सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्या है, वन है। देश का पहला हाईटेक वर्चुअल वर्ल्ड फिश एक्वेरियम कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो देख लो देश का पहला है, कहाँ पे बन रहा है, राजस्थान के उदयपुर जिले में बन रहा है, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमें हर्बल गार्डन का उद्घाटन किया है अजमेर जिले में पुष्कर में, कब किया, 22 जून 2017 को, थोड़ा सा ध्यान में रखना है, वैसे पुराना हो गया फैक्ट्री।
और इसके बाद हमें वन धन योजना का पता होना चाहिए, कब स्टार्ट हुई है वन धन योजना। 17 अगस्त 2015 से इसको स्टार्ट किया है वन धन योजना को। और हनुमानगढ़ क्या जो पीलीबंगा तहसील है वहाँ पे एक गांव है बड़ोपल, वहाँ पे दूसरी बर्ड सेंचुरी बनाई जाएगी। ठीक है, दूसरी बर्ड सेंचुरी कहाँ बनाई जाएगी? पीलीबंगा के बड़ोपल गांव में। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब की गई? 14 सितंबर 2010। सीधा ही क्वेश्चन आ जाता होता है, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना बताओ। डेट्स दे देंगे, चार पता ही नहीं लगेगा क्या है क्या नहीं। तो 14 सितंबर 2010 टिक करके आना है। ठीक है, नेक्स्ट है पीली किताब क्या है? तो पीली किताब का कहाँ से लिंक है? फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट होती है ये पीली किताब। बियर रेस्क्यू सेंटर कहाँ पे है? नाहरगढ़ में स्टार्ट किया है इन्होंने, तीसरा है जो बालों को बचाने के लिए। गागरौनी तोते का साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए, अलेक्जेंड्रिया पैराकीट। और इसके कंधे पर लाल रंग होता है, इसकी पहचान है। अगर पता करना है कि गागरौनी तोता कौन सा है तो कंधे पर लाल रंग होगा इसके। और साइंटिफिक नाम क्या है? अलेक्जेंड्रिया पैराकीट। और आपको पता है जिले बार हमने क्या किए हैं? शुभंकर घोषित किए हैं। कब किए हैं? 17 फरवरी 2016 से। तो 33 जिलों के 33 शुभंकर आपको याद होने चाहिए। इसकी ट्रिक मैंने डाली हुई है चैनल के ऊपर। अब मैं बता देता हूँ आपको कौन सा किसका है। तो अजमेर जिले का है खरमोर, अलवर का सांबर है, बांसवाड़ा का है जलपीपी, बारां का है मगर, बाड़मेर का है मरु लोमड़ी, भरतपुर का है सारस, भीलवाड़ा का मोर है, बीकानेर का बट तीतर, बूंदी का सुखीब, चित्तौड़गढ़ का चुसिंगा, जालोर का भालू, झालावाड़ का गागरौनी तोता, जोधपुर का कुरजां, करौली का घड़ियाल, कोटा का उद बिलाव, नागौर का राज हंस, पाली का तेंदुआ, राजसमंद का भेड़िया, प्रतापगढ़ का उड़न गिलहरी, सवाई माधोपुर का बाघ, चूरू का काला हिरण, दौसा का खरगोश, धौलपुर का पंचीरा, डूंगरपुर का जंगली धोक, हनुमानगढ़ का छोटा किलकिला, जैसलमेर का गोडावन, झुंझुनू का काला तितर, श्रीगंगानगर का चिंकारा, सीकर का शाहीन, सिरोही का जंगली मुर्गी, टोंक का हंस, उदयपुर का बिज्जू और जयपुर का चीतल। तो 33 जिलों के 33 ही आपको शुभंकर याद रखने हैं। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।